प्रदेश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में डीडीए पार्क में एक अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटका मिला। फिलहाल अभी अज्ञात युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए नजदीक के अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई जब अमन विहार थाना इलाके के अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 20 के डीडीए पार्क में एक अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटका मिला। दरअसल सुबह के समय इलाके के लोग पार्क में घूम रहे थे तब उनकी नजर पेड़ से लटके युवक के शव पर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और शव के पहचान के लिए लोगों से अपील की। साथ ही पुलिस ने शव को पास के हॉस्पिटल भेज दिया है। क्या नाम सर? विनोद कुमार। विनोद जी, क्या कोई बॉडी लटकी हुई थी पेड़ से? यहाँ अभी 11 बजे के आसपास देखा जो यहाँ पे नीचे घूम रहे थे। अच्छा, क्या पहचान हो पाई है उसकी कोई? नहीं, मेरे को तो इतना आइडिया नहीं क्योंकि मैं पब्लिक आई थी तो उन्हें भी नहीं पता। भीड़ लगी हुई थी मतलब? लगी हुई थी, बस बाकी किसी को पता नहीं ना कहाँ की। मेल बॉडी थी? हाँ। उम्र लगभग पता होगी कितनी उम्र रही होगी? 35 लग रही थी। फिलहाल अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह हत्या है या आत्महत्या। इसका खुलासा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।